अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की और रोल ऑफ द एचएससी, एक ऐसे डिपार्टमेंट की जो कि आपके एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सकता है या फिर उसी ट्रैक पर चला सकता है जो कि बहुत ज़माने से चलता आया है। पाकिस्तान बनने के बाद एज प्रेडिक्शन ऐसा सोचा गया था कि यहाँ पे तालीमी जो मौके हैं या फिर तालीमी लिहाज से पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, लेकिन उसने कोई और ट्रैक ही चूज़ किया क्योंकि हमारे पास पे दर पे बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसने तालीमी लिहाज से पाकिस्तान को और ज़्यादा उलझनों में डाल दिया। और फिर वो एक ऐसा दौर आया जिसके अंदर जाली डिग्रियों का एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ। आज भी अगर आप हर डिपार्टमेंट इवन द इंजीनियरिंग डॉक्टर्स या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर डिग्रियाँ छानने बैठेंगे तो आपको 50% जाली डिग्रियाँ मिलती हैं। ऐसी ही डिग्रियों वाले डॉक्टर्स जब किसी ऐसे पेशेंट का इलाज करते हैं तो सिवाय उनके मौत के और कोई रास्ता नहीं बचता। इंजीनियर्स की बदौलत हमारे यहाँ कभी पुल गिर जाते हैं तो कभी एक ऐसा सानिया सामने आता है जिसका कोई ना कोई ताल्लुक निकलता है जाली डिग्रियों से। यही वजह है कि एक ऐसा माफिया जो हमारे एचईसी डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ है, जो ना तो किसी को आगे बढ़ने देता है और ना ही इन ट्रैक्स को चेंज करने देता है। यही वजह है कि जब भी इन जामियात में किसी, अगर आप देखें कि टीचर्स की या फिर प्रोफेसर्स की जॉब आने लगती है तो वो एक इश्तहार तो ज़रूर आता है, लेकिन वो सिलेक्टेड पीपल हमेशा से उन सीटों पर बैठ जाते हैं और फिर वो वही घिसी पिटी पढ़ाई और वही घिसी पिटी जो है वो अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके चलते हैं। सिर्फ एक ढोंग होता है जिसमें आपके पास बहुत सारी जो है वो वैकेंसीज निकलती है प्रोफेसरिंग की या फिर टीचर्स की या फिर अगर हम प्राइमरी सेक्शन या सेकेंडरी सेक्शन को भी इवन कह लें, लेकिन बैठता या सीट उन्हीं को मिलती है जो कि सिलेक्टेड होते हैं। तो बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो वही पुराना करिकुलम लेके चलते हैं, वही पुरानी किसी पट्टी पढ़ाई होती है, और जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ऐसा लगता है कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो किसी आइंस्टाइन से कम नहीं है, क्योंकि जब उनकी आप GPA चेक करते हैं तो वो इतनी आला होती हैं कि किसी भी एक आम इंसान को ये समझ में नहीं आता कि इतनी GPAs कहाँ से आती हैं। वो इस वजह से भी आ रही होती हैं क्योंकि काफ़ी सारी जो डोनेशंस और ये फीस के नाम पे जो उन लोगों से लिया जाता है उसके बदले उनको अपने स्टूडेंट्स को पास आउट करना होता है, उनको अपना एक मियार दिखाना होता है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ में अगर बच्चों को इतने पैसे लिए थे तो हमने क्या ज़बरदस्त GPA निकाली है या क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट हमने जो है वो सेट करके या जो भी हो वो करके निकाला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी यूनिवर्सिटीज़ या सारे बच्चे जो है वो ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्यों नहीं ऐसा होता कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे रुकते हो या फिर पास आउट ना होते हो, बहुत ही कोई नालायक या कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको रोका जाता है और बाकी सारे टॉप GPAs के साथ जो है वो पास हो जाते हैं इन द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। और ये कोई एक नई बात नहीं है, डोनेशन के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना या फिर अपनी करियर को आगे बढ़ाना ये बहुत एक आम बात है और एक आम कल्चर बन चुका है जो कि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत आम है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक और भी बिज़नेस चलता है, ये पूरा एक बिज़नेस है, ये पूरा एक जाल है। एक और भी बिज़नेस चलता है, वो होता है विजिटिंग फैकल्टी, जहाँ तक उनकी अपने प्रोफेसर्स की बात है, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो ज़्यादा कोशिश करती है कि वो अपना कोई प्रोफेसर रखे नहीं, और जो वो रखती हैं तो उनको लाखों रुपए पे किए जाते हैं। और जो विजिटिंग फैकल्टी होती है उनके साथ तो सबसे ज़्यादा नार्मल सलूक होता है, और वो ये होता है कि वो जो विजिटिंग फैकल्टी होती है उनको 3 से 4 घंटे के पैसे जो है वो आवर्स के हिसाब से लगा दिए जाते हैं। अब वो 3 से 4 घंटे के जो पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 3 हज़ार रुपये होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। उसमें भी वो टैक्सेस काट लेते हैं या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो और भी ट्रिक करती है, वो ये करती है कि अगर पूरा सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, पूरा जब तक उनका जो है वो एकेडमिक ईयर ख़त्म नहीं होता तब तक वो उसको पे नहीं करते,
और विजिटिंग फैकल्टी में जाने वाले वो प्रोफेसर्स ना ही तो एक परमानेंट प्रोफेसर्स होते हैं किसी भी जगह के, और ना ही उनको वो रुतबा या फिर वो पोजीशन दी जाती है जो कि उनका हक होती है, और उनसे ज़्यादा काम भी लिया जाता है। जो यूनिवर्सिटीज़ के अपने प्रोफेसर्स होते हैं जिनको लाखों रुपए पे किए जाते हैं, जो कि अब ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कम होने लगा है, वो बहुत ज़्यादा हावी होते हैं इन प्राइवेट या फिर विजिटिंग फैकल्टी, जिसको हम एक यू नो आज का एक ट्रेंड है, एक नाम लिया जाता है। तो वो जो है सबसे ज़्यादा लेस पेड जो है वो प्रोफेसर्स होते हैं, जबकि हद से ज़्यादा काम करने वाले लोग भी वही। एक और चीज़ आती है, दैट इज़ द थीसिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आपके डिग्री के बाद से स्टार्ट होती है, एंड दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च या फिर रिसर्च करने वाले पेपर्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे कोई रिसर्च पेपर्स नहीं आते, और अगर आपको दिखेंगे भी तो आई कैन बैक यू, आप उन पेपर्स को कहीं भी जाके सर्च कर लो तो वो या तो कहीं से कॉपी किए जाते हैं, या फिर उनके सवालात भी ऐसे होते हैं कि आप सोच रहे होते हैं कि ये सवालात क्या हमारे कल्चर के अंदर या फिर हम पर जो है वो सूट होते हैं या नहीं। ऐसे रिसर्च पेपर बनाए जाते हैं या ऐसे रिसर्च होते हैं जिनको कॉपी एंड पेस्ट वाली कहानी हम कह सकते हैं। ऐसे आर्टिकल्स यूनिवर्सिटीज़ अपने मैगजीन में छापते हैं कि जिनका आपको समझ ही नहीं आता है कि ये कौन से जो है ना आर्टिकल्स हैं। ये वही आर्टिकल्स होते हैं या वही प्रोफेसर जो कि घिसी पिटी अपनी कहानियाँ लेके चल रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर वही घिसी पिटी कहानियाँ चल रही होती हैं, या वही जो प्रोफेसर होते हैं अपने जो है वो आर्टिकल्स लिख के वही छपवाते रहते हैं। किसी को नए को जो है वो मौका नहीं दिया जाता कि हाँ भाई वो लिखें या फिर करें। यही वजह है कि जो हमारी एक यूथ की राइटिंग है या यूथ की जो पढ़ाई है वो कहीं ज़्यादा अलग हो चुकी है। हमारा जो यूथ है वो कहीं भी जो है वो आपको लिखता हुआ नज़र नहीं आएगा। जो हमारा यूथ है अनलेस के वो प्रोफेशन को अडॉप्ट कर ले, लेकिन हमारा यूथ कहीं भी अपनी फील्ड के अंदर कोई एक ऐसा रिसर्च पेपर या कोई एक ऐसा आर्टिकल नहीं लिखता। या होना यही हो चाहिए कि अगर, क्योंकि एक आर्टिकल लिखना जो है वो आपका एक रिसर्च होता है, एक रिसर्च होती है किसी चीज़ को, टॉपिक एनालिसिस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। यही होता है कि जब CSS वगैरह में आते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट होते हैं, दे हैव द डिग्रीज बट दे डोंट नो हाउ टू राइट। यही वजह है कि हमारे यहाँ यूथ को लिखने नहीं दिया जाता इन यूनिवर्सिटीज़। दे आस्क टू जस्ट यू नो राइट डाउन द कॉपी पेस्ट थिंग्स। और जो हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में समहाउ कहीं ना कहीं बच्चा अपने पास लिख रहा होता है, लेकिन उनको जो है वो पास आउट करने का जो एक कल्चर होता है कि जो भी लिखोगे हम पास कर देंगे, वो वाली जो कल्चर है उसने उस यूथ को भी दबा दिया। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो जब CSS या किसी और उसमें जाते हैं लेवल में, तो हमारे यहाँ सबसे पहली जो चीज़, आपने कभी रिसर्च पेपर देखा हो या आपने कभी यू नो एग्जामिनेशन पेपर देखा हो, तो जो HSC के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो यही कहता है कि HSC को अपने लेवल को ठीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो लेवल है वो इतना डाउन है कि वो उनके अंदर वो पेपर्स देख ही नहीं पाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ HSC का जो म्यार है वो कहीं ज़्यादा गिरा हुआ है, और ख़ास करके मैं बोलना चाहूँगी कि सिंध का तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर पंजाब पे देखा जाए तो पंजाब एंड सिंध का जो यू नो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है, और इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है सिंध गवर्नमेंट को। आई होप कि आप लोग मेरी बात से जो है वो अग्री कर रहे हैं, और अगर आप नहीं भी कर रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बताइए करके मैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपके साथ डिस्कस कर सकते हूँ।